नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर, बीएड सेकंड ईयर की कक्षा निर्देशन एवं परामर्श विषय के अंतर्गत जो हम प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं पढ़ रहे थे उसी को हम निरंतर रखेंगे। हम पिछली कक्षा में प्रतिभाशाली बालकों की शारीरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे उसकी संवेगात्मक विशेषताएं। तो अगले जो लक्षण होते हैं उनकी संवेगात्मक विशेषताओं के, तो संवेगात्मक रूप से प्रतिभाशाली बालक स्थिर और समायोजित होते हैं, अर्थात इनमें समायोजन की जो क्षमता होती है वह बहुत कम होती है। ये बहुत कम ही अपने साथ किसी और व्यक्ति या सामान्य बालकों के साथ बहुत कम समायोजित हो पाते हैं। ये प्रायः प्रसन्न रहते हैं और समस्याओं तथा कठिनाइयों का स्वतंत्रता से सामना करने को महत्व देते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए या किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ जाए तो ये अपने स्तर पर ही उसको सुलझाने पर ही महत्व देते हैं और ये अधिक धैर्यवान भी होते हैं। नए लोगों के साथ नए स्थानों पर नई स्थितियों में ये बालक शीघ्र समायोजन कर लेते हैं। इनका चरित्र और व्यक्तित्व साधारणतः एक दूसरे बालकों से श्रेष्ठ होता है, अर्थात सामान्य बालकों की अपेक्षा इनका जो कैरेक्टर है, इनके जो व्यक्तित्व है वह श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार ये बालक सामाजिक दृष्टि से भी सुदृढ़ होते हैं। इसके पश्चात इनकी सामाजिक विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालक क्योंकि हंसमुख व प्रसन्न चित्त होते हैं अतः वे सामाजिक तौर पर अधिक परिपक्व तथा सर्वप्रिय भी होते हैं। चूँकि बालक हमेशा हंसमुख और प्रसन्नचित रहेगा तो वह सामाजिक दृष्टि से भी सभी का पसंदीदा हो जाता है, क्योंकि वह सबके साथ बोलना, सबके साथ समायोजित करना बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे बालक जो हैं वह अपनी परिपक्वता, अपनी मैच्योरिटी के कारण लोगों के बीच में उनके प्रिय बन जाते हैं। इसके पश्चात ऐसे बालक घर, स्कूल तथा समुदाय के अन्य कार्यों की जिम्मेदारी लेना बहुत पसंद करते हैं, अर्थात किसी भी कार्य की जिम्मेदारी से वह पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे बालक अपनी आयु स्तर से अधिक आयु स्तर वाले बालकों को मित्र बनाना पसंद करते हैं, अर्थात जो बालक इनकी आयु स्तर के हैं या इनसे अधिक आयु स्तर के हैं उनको ही अपना मित्र बनाना पसंद करते हैं, लेकिन खेलना भी अपने आयु स्तर के बालकों के साथ ही पसंद करते हैं, ये अपने से अधिक आयु स्तर के बालकों के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। इनमें नेतृत्व की विशेषताएं बहुत होती हैं, अर्थात जो लीडरशिप होती है वह यह विशेषता इनके अंदर बहुत अधिक होती है। सामाजिक समायोजन के दो पक्ष होते हैं, मिलने जुलने की योग्यता और सामाजिक रूप से लाभकारी बनने की योग्यता। कई बार प्रतिभाशाली बालकों में मिलने जुलने की योग्यता में कमी पाई गई है। उनकी सृजनात्मक गतिविधियां और सामाजिक तौर पर लाभकारी होने का संकेत होता है, अर्थात ये सामाजिक तौर पर अधिक लोगों से मिलना कम पसंद करते हैं। यह नहीं कि ये लोगों से मिलते नहीं हैं, ये मिलते हैं, उनके साथ बहुत जल्दी एडजस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन ये बार बार या लगातार अनेक अनेक लोगों से मिलना कम पसंद करते हैं। इन लाभकारी कार्यों में साहित्यिक रचना, शोध कार्य, खोज आदि सम्मिलित होते हैं। टर्मन ने कहा है कि 500 प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वे अधिक ईमानदार, विषम परिस्थितियों में विश्वसनीय होते हैं, इनके विचारों तथा निर्णय में दृढ़ता होती है, अर्थात अपने विचार और निर्णय लेने में यह दृढ़ता रखते हैं। इसके बाद आता है लिंगीय विशेषताएं। तो लड़के और लड़कियों में कौन अधिक प्रतिभाशाली है इसका अभी तक एक ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, एक ठोस शोध नहीं मिल पाई है, लेकिन कई अध्ययनों के पश्चात यह पता चला है कि लड़कों की जो बुद्धि लब्धि होती है वह लड़कियों की बुद्धि लब्धियों से कहीं अधिक होती है। टर्मन ने जब 643 विद्यालयों में
प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के पश्चात यह पता लगाया कि 543 लड़के प्रतिभाशाली बालक निकले हैं और केवल 100 लड़कियां ही प्रतिभाशाली निकली हैं, जबकि जेनकिंस ने नीग्रो की जनसंख्या का अध्ययन करते हुए इसमें प्रतिभाशाली अधिक लड़कियां हैं ऐसा इन्होंने शोध किया है। इसीलिए अलग अलग शोध के अनुसार यह अभी भी इस बात पर किसी न किसी प्रकार से शंका होती है कि लिंगी आधार पर कौन अधिक प्रतिभाशाली है, इस बात की पहचान करना अभी भी मुश्किल हो रहा है। इसके पश्चात शैक्षणिक उपलब्धियां, बौद्धिक रूप से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति शैक्षणिक उपलब्धियों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वह शैक्षणिक उपलब्धियों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, अर्थात शिक्षा को यह सर्वमान्य ही समझते हैं। ऐसे बालक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली बालक साहित्य, विज्ञान, व्याकरण, गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों में अध्यापकों द्वारा श्रेष्ठ घोषित किए जाते हैं, अर्थात यह अपनी अपनी कक्षा के अध्यापकों के द्वारा इन विषयों में अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ये बालक उन विषयों में अधिक श्रेष्ठता प्रदर्शित नहीं करते जिनका संबंध बुद्धि से ना हो, अर्थात यह अपनी बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहते हैं। जिन स्थान पर बुद्धि ना हो या बुद्धि का प्रयोग ना करना पड़े ऐसे विषयों में यह अपनी विशेषता नहीं दिखलाते, या यूं कहा जाए कि ऐसे विषयों में इनकी रुचि नहीं होती है। दुकान का कार्य हो, सिलाई का कार्य हो, कला का कार्य हो, ऐसे कार्यों में इनकी रुचि नहीं होती है। इसके पश्चात उपलब्धि और बुद्धि का सहसंबंध ऐसे बालकों में अत्यधिक मिलता है, अर्थात जो बुद्धि है और उपलब्धि है अर्थात अचीवमेंट है, ये सारी चीज़ें ऐसे बालकों में अधिक देखने को मिलती हैं, अर्थात इनको बुद्धि के अनुसार ही इनने अचीवमेंट पाया है। पढ़ाई लिखाई में अधिकतर साधारण बालकों में से श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें उनकी वास्तविक रुचि होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पढ़ाई लिखाई में ही को ही ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अधिक पाठ्यक्रम को कम समय में समझने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद आता है सहगामी क्रियाएं, को करिकुलम एक्टिविटीज़। प्रतिभाशाली बालक खेलों में अधिक रुचि लेते हैं, वे अपने से अधिक आयु के बच्चों में खेलना पसंद करते हैं, कम आयु के बच्चों के साथ वे कम समय व्यतीत करते हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि अधिक आयु के बच्चों के साथ खेलने में उन्हें कुछ अधिक और अनुभव उन्हें और मिल जाते हैं, जिसके कारण छोटे बच्चों के साथ खेलने में हो सकता है उन्हें अनुभव प्राप्त ना हो, उन्हें कुछ अलग सीखने के लिए ना मिले, इसीलिए ये अपने से बड़ी आयु के बालकों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। प्रतिभाशाली बालक उन खेलों और उन क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिनमें मानसिक परिपक्वता आवश्यक होती है, जैसे चेस खेलना, ऐसे खेलों में यह खेलना अधिक पसंदीदा होते हैं इनके। प्रतिभाशाली बालक स्कूल जाने में अधिक रुचि प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनको विद्यालय जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। इसके बाद व्यक्तिगत विशेषताएं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रतिभाशाली बालक सहयोगी होते हैं, अर्थात यह एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं, इनमें सुझावों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, हास्य विनोद का स्वभाव अधिक होता है, इनका सामाजिक समायोजन सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। प्रतिभाशाली बालकों की संवेगात्मक स्थिरता उनकी प्रौढ़ावस्था में भी निरंतर बनी रहती है, अर्थात आयु के साथ साथ इनकी जो प्रतिभा है वह बनी रहती है। नेक्स्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रतिभाशाली बालकों की उत्तम होती है, अर्थात ये सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के परिवारों व सामाजिक और आर्थिक वह सामान्य से ऊपर होता है। इसके बाद आता है कि सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि प्रौढ़ावस्था व युवावस्था की उपलब्धि में योगदान करती है, लेकिन अभी तक इनका अनुपात मालूम नहीं हुआ है।
प्रतिभाशाली बालकों के माता पिता सामान्य जनसंख्या से अधिक शिक्षित होते हैं। ऐसे बालकों के घर मोहल्ले तथा पड़ोसियों के घरों से श्रेष्ठ होते हैं। अर्थात घरों से श्रेष्ठ का मतलब यह अपने घरों में आसपास सफाई रखना, नियमित नित्य कार्य करना, इन सब चीज़ों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। शहरी क्षेत्रों से अधिक प्रतिभा शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रतिभाशाली बालक पाए जाते हैं क्योंकि इनकी पहचान करना सरल हो जाता है। इसके बाद आता है बौद्धिक विशेषताएं। तो प्रतिभाशाली मानसिक रूप से सामान्य बालक से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि पहले ही माना जा चुका है कि उनकी जो बुद्धि लब्धता है वह 120 और 130 से भी अधिक होती है। इनमें तर्क करने की योग्यता अधिक होती है, अपनी बात को सिद्ध करने की और अपने बात पर तर्क करने की क्षमता जो होती है वह बहुत अधिक होती है। ऐसे बालकों के अवधान का विस्तार भी अधिक होता है। इसके पश्चात प्रतिभाशाली बालकों की रुचियां सामान्यीकरण की योग्यता भी सामान्य बालकों से अलग होती है। इसके बाद आती है निषेधात्मक विशेषताएं, नेगेटिव। तो प्रतिभाशाली बालक कई बार लापरवाह भी हो जाते हैं। इनके अंदर कई बार अगर अपनी प्रतिभा को लेकर घमंड आ जाए तो ये कई चीज़ों में लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे बालकों की रुचि दूसरों की आलोचना करने में अधिक होती है, गलत संगत के कारण या दूसरों की आलोचना करने में भी अधिक रुचि लेने लगते हैं। और इस श्रेणी के बालक बड़े नटखट और शोर मचाने वाले होते हैं। अर्थात इन्हें यदि इनकी प्रतिभा के अनुसार इन्हें कार्य नहीं दिया गया तो यह अपनी जो प्रतिभा है वह उसमें उधम करने में, शोर मचाने में और नटखट कार्य करने में भी अपनी प्रतिभा लगा देते हैं। अर्थात जो इनकी ऊर्जा है वह कहीं ना कहीं तो व्यर्थ में जाएगी ही। आज की इस कक्षा में हमने प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं के बारे में अध्ययन किया है। अगली कक्षा में हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।